हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू वन इलस्ट्रेशन रिलेटिंग टू फाइनल अकाउंट्स। दिस विल बी अ फुल फ्लैजेड और कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन कंटेनिंग द बैलेंस शीट। नाउ दिस इज इलस्ट्रेशन 7 विच सेज चंबल लिमिटेड फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2017। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल shares of rupees 10 each fully paid 50 lakh rupees. So when you will read the problem, first of all what we can do, we can write that this item is of what nature and what category and where it should go. For example, agar ye share capital hai to we are writing ki ye hamare share capital mein aayega, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दे रखा है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो वी कैन लाइक मार्क फॉर आवर पर्पस दैट इट विल गो टू रिजर्व इन सरप्लस। उसके बाद ये इंटरिम डिविडेंड पेड है, ये आपके डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स में, मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रॉफिट्स में से जो अप्रोप्रिएशंस होते हैं उसमें इंटरिम डिविडेंड घटा कर दिखाया जाएगा, तो इट विल ऑल्सो गो टू रिजर्व इन सरप्लस है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ जनरल रिजर्व एज पर लास्ट बैलेंस शीट, तो ये जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हो गया 26,70,000, ये भी रिजर्व इन सरप्लस में आएगा। उसके अलावा तो ये आपका कैश जो है दैट इज़ अ करंट एसेट, इट विल गो टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बैलेंस शीट। उसके बाद नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इज़ कस्टमर्स ड्यू विद इन 6 मंथ एंड कस्टमर्स ड्यू ओवर 6 मंथ्स, तो कस्टमर्स ड्यू विद इन 6 मंथ्स आपके दे रखे हैं 40 लाख, एंड ये आपको दे रखे हैं कस्टमर्स ड्यू ओवर 6 मंथ्स, ये आपके 2 लाख दे रखे हैं, तो 42 लाख ये आपके जो करंट एसेट्स हैं ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। उसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये आपको जो आपके कस्टमर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनमें से माइनस करके दिखाओगे, 40 लाख इन 2 लाख माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद एडवांसेस कंसिडर्ड गुड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, व्हाट इज़ दिस, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एज करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। उसके अलावा नेक्स्ट इज एडवांस इनकम रिसीव्ड, दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विच इज़ अ करंट लाइबिलिटी, विल गो एज अ करंट लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स एज करंट लाइबिलिटी। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट एंड लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपके नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे 78 लाख, और ये 15,40,000 उसमें से आप माइनस करके शो करेंगे। इन्वेंट्री एट कॉस्ट, ये आपके करंट एसेट हो गया, इन्वेंट्री एट कॉस्ट करंट एसेट हो गया, स्टॉक का जो वैल्यूएशन है। और उसके अलावा टैक्स पेमेंट पेंडिंग असेसमेंट एंड टैक्स प्रोविजन पेंडिंग असेसमेंट, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जब तक आपका असेसमेंट नहीं हो जाता ये वो है, और ये प्रोविजन्स हैं जो आपने किए हुए, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स पेंडिंग असेसमेंट जब तक असेसमेंट नहीं हो जाता, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं कि 6 लाख रुपये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आपने दिया हुआ है और 5,50,000 आपका प्रोविजन है, तो दिस विल बी कॉल्ड, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, बिकॉज इसमें आपको रिफंड मिलना है। 6 लाख आपने पे किया हुआ है और प्रोविजन फॉर टैक्स में टैक्स लाइबिलिटी आपकी इतनी है, तो दे विल बी अ रिफंड, एंड वी डोंट नो वेदर दैट रिफंड वी विल गेट विद इन अ 12 मंथ्स पीरियड और इट विल टेक लॉन्गर पीरियड, सो वी विल कैटेगराइज एज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम है टैक्स लाइबिलिटी, इट विल कम एज अ करंट लाइबिलिटी, एंड देन देर इज़ सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर एंड सरप्लस फॉर द ईयर आफ्टर टैक्सेशन, ये दोनों आइटम्स आपके रिजर्व इन सरप्लस हेडिंग के अंदर जहाँ आप सरप्लस को शो करते हैं, जैसे मैंने आपको डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स वाले में बताया था वो है। और यहाँ आपको दिया गया है द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड फाइनल इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ 20% एंड अप्रोप्रिएशंस ऑफ 7 लाख टू जनरल रिजर्व, यानी इस साल जनरल रिजर्व में 7 लाख रुपए और ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो ये जो हमारा जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस था उसमें ये 7 लाख रुपए ऐड हो जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द नोट टू अकाउंट्स, एंड इन द नोट टू अकाउंट्स बिकॉज मेन बैलेंस शीट यू विल प्रिपेयर आफ्टरवर्ड्स एंड नोट टू अकाउंट्स यू विल प्रिपेयर फर्स्ट, सो
what we will do in the note to accounts, we will write that the share capital is issued, subscribed and fully paid 50 lakh rupees, जिसमें 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच हैं 50 लाख रुपीज़, ये आपकी शेयर कैपिटल है जो बैलेंस शीट में दी गई है। उसके बाद आपको और क्या दिया गया था इसके अंदर, कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व, राइट, ये है आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व। यस, कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व 20 लाख रुपए का जो आपको बैलेंस शीट में दिया गया है, ये क्यों है? क्योंकि आपके पिछले साल में ऐसा रहा होगा कि आपने 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए होंगे और वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम किए होंगे, तो जो ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे, राइट, और ये निल रह जाएंगे और कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 20 लाख रुपए चले जाएंगे। तो ये कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व आपने यहाँ शो किया है। अगर आप चाहें तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को नहीं भी शो करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले थे और अब रिडीम हो चुके हैं, रिडीम ड्यूरिंग द ईयर हैं। तो 50 लाख रुपए आपकी ये शेयर कैपिटल है। ये शेयर कैपिटल अब आपकी बैलेंस शीट, जो मेन बैलेंस शीट है उसमें भी आएगी। तो आपकी हेडिंग क्या होगी, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज़। इसको आपने नोट वन दिया, ये नोट वन आप यहाँ मेन बैलेंस शीट में लिखेंगे कि इस शेयर कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट टू अकाउंट्स में नंबर वन पर दी गई है। उसके बाद हम रिज़र्व एंड सरप्लस में आएंगे। रिज़र्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 20 लाख रुपए दिए गए हैं, ये आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में 20 लाख रुपए हैं। जनरल रिज़र्व का ओपनिंग बैलेंस ये 26,70,000 रुपए था और अभी हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख रुपए जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र किए गए। तो हमारा बैलेंस इन द जनरल रिज़र्व कितना हो गया, 33,70,000 रुपीज़, राइट, दिस इज़ जनरल रिज़र्व। यू हैव टू शो इट अंडर द हेडिंग रिज़र्व एंड सरप्लसेस। पहले आप सारे रिज़र्व लेंगे और लास्ट में सरप्लस लेंगे। उसके बाद सरप्लस का जो ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है लास्ट ईयर की, वो 1 लाख है और करंट ईयर की 19 लाख है। तो आपने लिखा बैलेंस ब्रॉड डाउन और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख, सरप्लस फॉर द ईयर 19 लाख, 20 लाख हो गई। और यहाँ आपको दिया गया था कि अप्रोप्रिएशन ऑफ 7 लाख टू जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व में आपने 7 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। ये आपका इसमें से घटाया तो आया 13 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर आपने जो इंटरिम डिविडेंड पे किया है, यहाँ दे रखा है इंटरिम डिविडेंड, और वो इंटरिम डिविडेंड पेड कितना है, ये है 1,80,000 रुपये। तो आप लिखोगे यहाँ लेस इंटरिम डिविडेंड अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, और ये हो गया 11,20,000 रुपीज़। अब आप कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व, जनरल रिज़र्व और ये सरप्लस, इन तीनों का टोटल कर रहे हैं एंड दैट कम्स टू 64,90,000। इसको आपने नंबर टू दिया है, राइट, इसको अब आप मेन बैलेंस शीट में ले जाएंगे, लिखेंगे रिज़र्व एंड सरप्लस टू नंबर 64,90,000 रुपीज़। इन दोनों का टोटल किया तो ये आया सब टोटल 1,14,90,000 रुपीज़। ओके, दिस इज़ योर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। नाउ वी मूव फर्दर, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट आइटम पर और वो है आपका क्या, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में जो आपके क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हैं, करंट लाइबिलिटी में जो आपके क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हैं वो कहाँ हैं, ये ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स आर 10 लाख, ये आपको दे रखा है, ये 10 लाख रुपीज़ ट्रेड क्रेडिटर्स, राइट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10 लाख रुपीज़। तो आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ लिखने हैं 10 लाख रुपीज़, ये ट्रेड पेएबल्स हो गए मेन बैलेंस शीट में, इसको आप यहाँ भी ले सकते हैं। उसके अलावा और आपकी क्या करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट लाइबिलिटीज़ इसके अलावा क्या हैं, ट्रेड पेएबल्स के अलावा, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स के अलावा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के अलावा जो और ट्रेड लाइबिलिटीज़ आपकी हैं वो क्या हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमने यहाँ पहले सारे मार्क किए थे। तो करंट लाइबिलिटी हमारी ये है 60,000, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, तो करंट लाइबिलिटी 60,000 हमारी क्या है, ये प्री एडवांस इनकम रिसीव्ड
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम रिसीव्ड इज 60,000, तो इसको हमने यहाँ लिखा 60,000 नोट टू अकाउंट्स में। और नीचे हमने देखा था कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो 80,000 रुपये थी, जहाँ हमने ये करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है। तो ये करंट लायबिलिटी हमारी हो गई अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आ रही हैं 1,40,000। तो हमने 1,00,000 ट्रेड पेबल्स लिखे थे जो क्रेडिटर्स फॉर गुड्स थे, उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं 1,40,000, और इसको हमने नोट को नंबर दिया है 3, और ये 3 नंबर हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि 1,40,000 हमारी अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमारा कोई नहीं है, तो हम शॉर्ट टर्म प्रोविज़न को नील कर देंगे, और हमारा जो सब टोटल हुआ करंट लायबिलिटीज़ का वो हुआ 11,40,000 रुपीज़। अब हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये हमारी हेडिंग थी, तो हम इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल ये था, सब टोटल इस 1,14,19,000 के अंदर ये 11,40,000 जोड़ेंगे, तो हमारी जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है वो 1,26,30,000 आई मेन बैलेंस शीट में। तो हम नोट टू अकाउंट्स पहले बनाएंगे और उनसे जो इन्फॉर्मेशन टोटल होकर जाएगी वो मेन बैलेंस शीट में जाएगी। उसके बाद हमारा यहाँ आता है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, राइट। अब हम आ गए हैं लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर आए ये मेन बैलेंस शीट में। अब हम एसेट साइड में आ गए, तो पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को हमने नंबर 1 दिया था और इसको हम नंबर 2 दे रहे हैं। अब इस नंबर 2 के अंदर पहले हम नॉन करंट एसेट्स लिख रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स आपके हैं 78,00,000, बैलेंस शीट यहाँ ट्रायल बैलेंस में दिया गया था 78,00,000, और ये 1,540,000 आप इसमें से लेस कर रहे हैं। ये हो गया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपने इसमें से माइनस किया तो 62,60,000 आपके फिक्स्ड एसेट्स आ गए जो टेंजिबल नेचर के हैं, नॉन करेंट हैं। उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एज आई टोल्ड यू कि 6,00,000 रुपये आपने एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स दे रखा है, 5,50,000 रुपये आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो 50,000 रुपये आपका रिफ़ंड आएगा, और जो 50,000 रुपये रिफ़ंड आएगा उसे हम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर कैटेगराइज कर रहे हैं, और नंबर इसको हमने दिया है 5। यहाँ पर ये देखो 5 नंबर दिया है, 6,00,000 एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है और प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये हमारा एसेट है बिकॉज वी हैव पेड एक्स्ट्रा टैक्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 50,000 रुपये ये हमारा एसेट हो गया। अब हमने लेने हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जो स्टॉक इन ट्रेड है वो, करंट एसेट में जो स्टॉक इन ट्रेड है वो है 10,00,000 रुपये। आपको इन्वेंट्रीज दे रखी थी यहाँ 10,00,000 रुपये इन्वेंट्रीज, ये रहा 10,00,000 रुपये इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स, राइट। ये इन्वेंट्री एट कॉस्ट 10,00,000 रुपये, ये आपकी इन्वेंट्री हो गई, इसको आपने नंबर दिया है 6, और इसको आप यहाँ पर ले आएंगे अपनी मेन बैलेंस शीट में। मेन बैलेंस शीट में आप ले आए ये 6,00,000 रुपये, ये हुआ इन्वेंट्रीज 10,00,000 रुपये, और ये हो गया स्टॉक, और उसके अलावा हम क्या कर रहे थे, अब नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम था हमारा ये स्टॉक का, हमने 10,00,000 इसको 6 नंबर दिया था और यहाँ पर हमने इसको 6 नंबर दिया है, तो नोट टू अकाउंट्स को अगर हमने देखना है तो 6 नंबर वाला नोट देखेंगे। अब हम आते हैं 7वें नंबर के नोट पर, जिसमें हमारे आएंगे डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए यहाँ दिया गया था कि कस्टमर्स ड्यूज विद इन 6 मंथ्स वो है 40,00,000, और कस्टमर्स ड्यू ओवर 6 मंथ 6 मंथ से ज़्यादा जो ड्यू हो गए हैं वो हैं 2,00,000। इन दोनों का आपने टोटल किया तो ये 42,00,000 आया, और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटाया तो 40,00,000 आया। इस 40,00,000 ट्रेड रिसीवेबल को आप मेन बैलेंस शीट में ले गए, ट्रेड रिसीवेबल्स 40,00,000 रुपीज़, ये आपने यहाँ लिख दिए। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट आइटम पर, विच इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैलेंस इन द बैंक इज़ 1,00,000 एंड कैश इन हैंड 20,000, तो हमारा दोनों का जो टोटल है वो 1,20,000 है, इसको हमने नंबर दिया है 8, यहाँ पर हमने डाला नंबर 8, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने लिखा 1,20,000।
उसके बाद हमारे आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांसेस कंसिडर्ड गुड ये जो था हमने पहले ले रखे हैं और इनको हमने यहाँ मार्क कर रखा है, तो हम इसमें एक एक आइटम को लेते जाएंगे, टिक करते जाएंगे कि इसको हमने डील कर लिया। 11,50,000 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं और 50,000 ये हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। तो हमने एडवांसेस कंसिडर्ड गुड 11,50,000, प्री पेड एक्सपेंसेस 50,000, टोटल हुआ 12,00,000। हमने इस 12,00,000 को यहाँ शो कर दिया तो टोटल हमारा हुआ 63,20,000 और यहाँ था 63,10,000। दोनों को हमने जोड़ा तो ये हो गया 1,26,30,000। इज़ दिस क्लियर? दिस इज़ हाउ यू विल मेक द बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज टोटल इज़ 1,26,00,000 एंड द एसेट्स नॉन करंट एंड करंट टोटल इज़ दिस। दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स वेयर यू विल बी गिवन द ट्रायल बैलेंस एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बैलेंस शीट। नाउ वन मोर आइटम हेयर इज़ गिवन एंड दैट इज़ द डायरेक्टर्स हैव प्रपोज्ड फाइनल इक्विटी डिविडेंड एट 20%। Now the final equity dividend will be on 50,00,000 at the rate of 20%, which comes to 10,00,000, right? So 10,00,000 will be the proposed dividend, but this proposed dividend will not be a current liability because as per para 14 of accounting standard 4 revised, proposed dividend is not to be recognized as a liability in balance sheet. It will be shown in the note to accounts that dividend is proposed at the rate of 20%. Dividend proposed to be distributed to equity shareholders is 10,00,000, but nowhere we are counting it as a liability in the balance sheet. It will be just shown in the note to accounts and we will write the word proposed dividend and we'll say that it is not to be recognized as a liability in balance sheet as per para 14 of accounting standard 4 revised. I showed it while discussing disposal of profits also when we were doing the accounting treatment relating to that. So this was a problem where you were given the full-fledged problem trial balance and you were required to make a balance sheet. Now we will do one more problem relating to disposal of profits and let me show you one illustration, and that is illustration 21. So let us come to illustration 21 where the problem is relating to disposal of profits. 21, yes, it has come in examination in the year 2017, right? BCom honors mein. What is this problem says? It says for the year ending 31st March 2016, the profit of A Limited before tax amounted to 7,20,000. यानी 31st March 2016 को A Limited के profit before tax amounted to 7,20,000 and there was a credit balance of 4,10,000 brought forward from the previous year. यानी पिछले साल का जो profit आया वो opening balance 4,10,000 था और इस साल का current year का जो profit है वो 7,20,000 है और वो before tax है. उसके बाद द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 30,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब 30,000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी 30,00,000 रुपीज़ होगी एंड 4,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी होगी 40,00,000। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स was paid during the year at the rate of 7.5%. तो आप 7.5% interim dividend किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो 40,00,000 के ऊपर आप 7.5% निकालेंगे।
To pay, the following appropriations were passed at the annual general meeting of the company. Now, all these appropriations are regarding the disposal of profit, which I told you when we were discussing the theory, disposal of profits. And earlier it was called appropriation account. Now, after Schedule 3, 2013 Act, it is not called appropriation. They are shown under the heading reserve and surplus and not shown in the separate profit and loss appropriation account. So to pay a dividend on preference shares, to pay a final dividend of 5% on equity share capital, yani 40 lakh pe 5% of final dividend denge, 7.5% of interim dividend denge, or to provide for taxation. क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स थे 7,20,000, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स थे और इसमें से अभी आपको टैक्स प्रोवाइड करना है, तो वो जो टैक्स है वो 2,00,000 रुपये आपने प्रोवाइड करना है. और ट्रांसफ़र 2.5% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू जनरल रिज़र्व. करंट ईयर के प्रॉफिट्स का 2.5% आप जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र करेंगे. एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, that also we have already discussed, at the rate of 20.358%. write up the reserve and surplus to be shown in the note to accounts. So we are not saying ki show profit and loss appropriation account, we are saying write up the reserve and surplus to be shown in the note to accounts. So let us see how this problem will be solved. Now, since you are given the opening balance of the profit and loss account, it is 4,10,000, right, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, और करंट ईयर का प्रॉफिट 7,20,000 है, और उसमें से आपने 2,00,000 रुपये का टैक्स प्रोवाइड करना है. तो 2,00,000 रुपये टैक्स प्रोवाइड करने के लिए प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स कितने हुए, 5,20,000. तो वी स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस इन द सरप्लस, वी ऐड द करंट ईयर्स प्रॉफिट. We add the current year's profit, 5,20,000, which is profit after tax. The total becomes 9,30,000. After that, we are doing various appropriations. जिनमें से एक है transfer to general reserve. और general reserve में हमने कितना transfer करना है, हमें दिया हुआ है problem में 2.5% of the current year's profit. करंट ईयर के प्रॉफिट्स 5,20,000 हैं, उसका 2.5% आपने ट्रांसफ़र किया, तो 13,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होंगे. उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कहा गया था कि यू हैव टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. तो वो कैसे पता चलता है, हमें ऊपर पता चलता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वॉज इट वॉज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, कितने, 30,006%. सो दैट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड. 30,000 100 रुपीज़ वाले, यानी 30,00,000 आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गई, उसके ऊपर आपने 6% प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो वो 1,80,000 हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड. उसके बाद आपको यहाँ दिया गया था कि इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 7.5%, और इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, तो 7.5% आपने कैलकुलेट किया, 40,00,000 जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका, विच कम्स टू 3,00,000, राइट. और फिर आपको दिया गया है टू पे अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. यहाँ पर ये प्रपोज नहीं है, ये पे किया जा रहा है, इसलिए हम सब कुछ लिख रहे हैं यहाँ. अगर ये प्रपोज होता तो हम दूसरे तरह का ट्रीटमेंट करेंगे, जो नोट टू अकाउंट्स में नीचे दिया जाएगा. तो फाइनल डिविडेंड पे किया गया 40,00,000 पर 5% के हिसाब से 2,00,000 रुपये. और फिर टू प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन हमने पहले ही किया, जो प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर हमने 2,00,000 घटा दिया. टू ट्रांसफ़र 2.5% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, वो भी हम कर चुके. एंड टू प्रोवाइड फॉर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स एट 20.358%. नाउ यू नो दैट द कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स इज पेड ऑन वॉट, इट इज पेड ऑन द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर. फिर वो डिविडेंड चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड हो या इक्विटी डिविडेंड हो, वो डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो. तो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड पे किया है और फाइनल डिविडेंड पे किया है. इन तीनों का हमने टोटल किया 180, 3,00,000 एंड 2,00,000, विच कम्स टू 6,80,000. 6,80,000 पर हम 20.358% के हिसाब से कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स
पे करेंगे तो हमारा यहाँ इसमें से डिडक्शन होगा 1,38,434. सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स और द सरप्लसेस. तो इन सब का हमने टोटल करना है और इसको 9,30,000 में से घटाना है तो हमारा अमाउंट आया 98,566. नाउ दिस इज़ द सरप्लस लेफ्ट आफ्टर अप्रोप्रिएशंस एंड दिस इज़ द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस. तो रिजर्व में हमारा ओपनिंग बैलेंस पहले था निल. ड्यूरिंग द ईयर हमने ये 13,000 यहाँ ट्रांसफ़र किए तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट्स में से तो ये कम हो गया लेकिन जनरल रिजर्व में ये ऐड हो गया. तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द जनरल रिजर्व एट द एंड इज 13,000. तो रिजर्व एंड सरप्लस, ये रिजर्व है और ये सरप्लस है, इन दोनों का टोटल क्या हुआ? 1,11,566. दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स. यू कैन गेट सच टाइप ऑफ फुल फ्लेज्ड प्रॉब्लम ऑल्सो विच आई हैव डन इन द फाइनल अकाउंट्स वेयर द ट्रायल बैलेंस विल बी गिवन एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ बैलेंस शीट. Or you can get small problems relating to reserve and surplus where you will be given various appropriations and you will have to make the reserve and surplus account and you will have to show that reserve and surplus in the note to accounts and this can be a problem which can be given to you. Like final accounts ke question mein ek full fledged problem de sakte hain aur uske internal choice ke andar aisa ek small question reserve and surplus ka deke dusra uske sath mein aapko koi theory ka question de sakte hain like provisions reserves capital reserve in pe short note likhna ya treatment of various items in the balance sheet regarding that the question can come in the examination. I would like to show one more illustration over here. You can directly see it from the book itself, so it will save our time. B Limited carried forward a balance of 50,000 in the surplus account from the year ending 31st March 2015, and during the year 2015-16 it made a further profit before tax of 5 lakh. It was decided that the following decisions we carried. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,20,000. तो हमारा जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, ओपनिंग बैलेंस क्या था? ओपनिंग बैलेंस जैसे यहाँ पर ये देखो, जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया है वो 50,000 है. तो यहाँ इन्होंने सरप्लस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखा 50,000, राइट? और प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर कितना होगा? प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर विल बी 5 लाख माइनस दिस प्रोविजन 2,20,000, क्योंकि दिस इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 220 यू विल डिडक्ट एंड इट विल बी 2,80,000. सो प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर आफ्टर टैक्स इज 2,80,000. द टोटल ऑफ द टू इज़ 3,30,000. ये आपकी सरप्लस हो गई. अब इसमें से आपने अप्रोप्रिएशंस करने हैं. अप्रोप्रिएशंस क्या हैं? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट में 60,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए. तो ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व 60,000. उसके बाद डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 2,50,000. तो आपने डिविडेंड कितना पे की? ये है यस, डिविडेंड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 2,50,000. आपको सॉरी इट इज़ सो यहाँ प्रोवाइड फॉर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स. डिविडेंड एंड 12% प्रेफरेंस शेयर्स ये भी पे किया गया है. टू प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग डिसीजन्स भी कैरिड आउट. इट वॉज डिसाइड द फॉलोइंग डिसीजन्स भी कैरिड आउट टू डिविडेंड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 2 लाख. डिविडेंड 15%. जनरल रिजर्व में 55,000 रुपये ट्रांसफ़र किया गया, तो जनरल रिजर्व में आपने 55,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया. और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया. डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया. दिस इज़ आई थिंक एन इनकम्प्लीट प्रॉब्लम बिकॉज यू आर गिवन दैट फॉलोइंग डिसीजन्स भी कैरिड आउट. डिविडेंड ऑन 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 2,50,000 पर आप डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे और वो डिविडेंड भी यहाँ पर आप पे करके दिखाएंगे. दिस इज़ एन इनकम्प्लीट प्रॉब्लम. तो आप लिखेंगे डिविडेंड पेड
प्रेफरेंस डिविडेंड 2,50,000 पर निकाल लोगे 12% के हिसाब से, उसके बाद डिविडेंड 15% ऑन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 तो 4,00,000 पर 15% के हिसाब से जो इक्विटी डिविडेंड है वो आप निकालोगे, और वो भी यहाँ लेस अप्रोप्रिएशन करके शो करोगे, और फिर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स आप कैलकुलेट करोगे, और वो कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना है 20.358% के हिसाब से, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया था वैसे ही आप इसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे और फाइनल डिविडेंड पे करेंगे और कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स उस डिविडेंड पर निकालेंगे, वो सारे आइटम्स इसमें से लेस करेंगे। और उसके बाद यहाँ ये जो आपने अप्रोप्रिएशंस किए, ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ट्रांसफ़र टू डेवलपमेंट रिबेट रिज़र्व और ट्रांसफ़र टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व, ये यहाँ तो माइनस हुए लेकिन यहाँ ये रिज़र्व्स के अंदर बैलेंस बढ़ जाएगा, तो यू विल राइट द बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट रिबेट रिज़र्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिज़र्व एंड जनरल रिज़र्व, ये तीनों बैलेंस जो यहाँ पर माइनस किए गए हैं, नाउ दे आर अपीयरिंग एज द बैलेंसेज इन दीज पर्टिकुलर अकाउंट्स, सो दीज आर रिज़र्व एंड सरप्लस, सो दीज रिज़र्व्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट इन द नोट टू अकाउंट्स, देन द सरप्लस विल बी एडेड, और इस सरप्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर्स प्रॉफिट माइनस दीज ट्रांसफर्स एंड माइनस द डिविडेंड पेड, वो अभी इसमें आया नहीं है, वो भी आना चाहिए बिकॉज इट इज़ supposed to be the dividend paid, that is why they have shown the corporate dividend tax also. So this will be the further entries and this is an incomplete solution.